हेलो एवरीवन, आई एम एहसान खालिक, सीईओ साद एहसान इमिग्रेशन लॉ फर्म। आज मैं इस वीडियो में अपने पोटेंशियल और जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट एक 16 फरवरी को पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश करने जा रही है कि गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग कि गोल्डन वीज़ा को या तो वो ख़त्म कर देंगे या इसके अंदर वो चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो मैसेज ये है कि आप लोग जो प्लान कर रहे हैं, जिन लोगों ने बैंक अकाउंट ओपन कर लिए हैं या जो लोगों की एप्लीकेशन हाफ वे हैं या जो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अपने गोल्डन वीज़े की एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है, तो वो थोड़ा क्विकली इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करें इससे पहले कि गोल्डन वीज़ा ख़त्म हो जाए या उसके अंदर प्रॉपर्टी की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाए। अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस भी आ रही हैं तो वो ये होंगे कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं वो जो एग्जिस्टिंग प्राइस है लाइक 280,000 वो मे बी इंक्रीज़ करके 400 कर दें और 350 को इंक्रीज़ करके 500,000 कर दें, जैसे लास्ट ईयर उन्होंने पोर्टो और लिस्बन के अंदर जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस को बढ़ाया भी था और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया था। तो इस वक्त चूँकि लोकल वहाँ पे रेंटल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, मोर्गेज की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, लोगों को वहाँ पे जो है लोकल प्रॉपर्टी है वो उसकी प्राइसेस अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से लोग जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी वरीड है। ये इसकी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके आ रही है जो कि 16 फरवरी को है, इससे पहले कि आप लोग जो प्लान कर रहे हैं और वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिशन ना हो सके या वो आप कंप्लीट ना कर सके, तो यू हैव टू बी अ लिटिल क्विक और आप इसको कंप्लीट करें। और फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट साद एहसान इमिग्रेशन लॉ फर्म। थैंक यू वेरी मच।